नमस्ते दोस्तों। कल जो मैंने बालकनी की रेलिंग की सफाई करी थी, उसके बाद मेरा गार्डन काफी फैल गया था, क्योंकि उसके बाद हमने धुलाई उलाई करी और सब प्लांट्स इधर उधर करके रखे थे, फिर छोड़ दिए थे क्योंकि भाई इंसान की लिमिट है। तो अब ये देखो, जो बाकी ये काम ये कर रही हूँ, बहुत दिनों से मैंने बाल्टी में कोकोपीट लग के रखा था, वो उसमें सूख नहीं रहा था, तो फाइनली मैंने डिसाइड किया इसको फैला के रखती हूँ। अगर मैं ऐसे ही डाल दूंगी फ्लोर पे तो वो उड़ता रहेगा, और कुछ कपड़ा या बैग मुझे मिल नहीं रहा था तो मैंने इसको ऐसे कर दिया है। अब ये देखो, आई होप ये अच्छे से सूख जाए, और ये पूरा फैल गया है। यहाँ पे मैं ठीक से अरेंज करूंगी, ये एलोवेरा इधर अच्छा हो रहा है इसलिए मैं इसको कहीं और मूव नहीं करना चाहती हूँ। बहुत सोचा बट फिर भी मैं यहीं रखूंगी इसको वापस, और ये बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे, मतलब अच्छा बढ़ रहा है इसलिए मैं इसको नहीं बिल्कुल छेड़ूंगी। और ये मेरा बहुत मेरे सुख दुख में साथ दिया है इस प्लांट ने। मैं 2 महीने नहीं थी, हमारे घर के कुछ इश्यूज थे, मैं 2 महीने नहीं थी और यही अकेला प्लांट था जो कि सरवाइव कर पाया, क्योंकि 2 महीना पानी खाद कुछ नहीं मिली। खाद तो खैर मैं इसको डालती ही नहीं हूँ, पानी वानी कुछ नहीं, और ये लाइट कंडीशन वगैरह कुछ नहीं, बारिश में ऐसे ही 2 महीना पड़ा रहा था। और ये देखो, 1 से 2 गमले हो गए और तीसरा भी एक पप निकाला है, तो ये पौधा अच्छे से सस्टेन कर रहा है। जो लोग कहते हैं कि नहीं एलोवेरा चलता है, देखो मेरा एलोवेरा एकदम लो मेंटेनेंस है, कुछ भी नहीं चलना है उस जगह भी ये चला है। और ये मैं गमला खाली कर रही हूँ क्योंकि इसमें मुझे पौधे मिला लगाने हैं, और ये मैं नीम की खली डाल रही हूँ इसमें, मैं लेकर आई थी क्योंकि प्लांट्स की जड़ें काफी खराब हो रही है तो ये अच्छा होता है। और मैं सब पौधों के जो ड्रेनेज होल है वो वापस से कर रही हूँ ठीक, और ये गेंदा काफी दिनों से रखा था, अब इसको लग रहा था कि मैं चेंज कर ही देती हूँ तो ये डाल रही हूँ मैं इसमें। कोकोपीट बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि पानी से प्रॉब्लम हो रही है हमारे पौधों को, इसकी रूट्स थोड़ी लूज कर रही हूँ क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि रूट्स आगे जा नहीं पा रही हैं, एब्जॉर्प्शन का भी इशू हो रहा है, तो थोड़ा हल्का सा, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, और फिर मिट्टी से भर दूंगी। ये देखो, ये अच्छे से हो गया है हमारा गेंदे का पौधा। अब इसकी जगह पे लगा देती हूँ, यहाँ पे मैंने अरेंज करे हुए हैं, ये सालिया का पौधा है, इसमें भी थोड़ी नीम कली डाल दूँ क्योंकि इसमें मुझे थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है, पत्ते झड़ रहे हैं इसके जो अभी नहीं झड़ने चाहिए, पता नहीं क्यों, और थोड़ी हल्की सी गुड़ाई कर रही हूँ, बहुत थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर रही हूँ, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती पौधों को, बट पानी भी अब्जॉर्ब होना चाहिए अच्छे से। और फिर ये पानी डाल रही हूँ, ये वही मैं आजकल नॉर्मल पानी नहीं डालती हूँ, जो किचन का निकलता है धो के दाल और सब्जी वगैरह वही यूज करती हूँ, वो भी यूज हो जाता है, अच्छा ही पानी होता है। और जो लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं उनको पता है होगा, ऐसे हमारी दादी बोलती थी कि वो लोग चारपाई पे बैठ के नहाते थे, फिर वो पानी कलेक्ट करते थे और फिर उनको पौधों और घर की पोछने वोछने के काम में यूज करते थे, इतनी बुरी हालत थी पानी की। और पानी अभी भी खत्म नहीं हुआ है, खतरा तो है ही, तो हमें पानी बचा के रखना चाहिए। खैर, पौधों में पानी दे के बचाने का कोई मतलब नहीं है, हमें वेस्टफुल नहीं होना चाहिए। तो ये देखो, मैंने ऐसी बॉटल्स में ना जो भी मैं सब्जी वब्जी काटती हूँ उसके छिलके रख देती हूँ और उसमें पानी डाल देती हूँ, तो ये खाद बनती रहती है। मैंने कंपोस्टिंग की कोशिश करी पर वहां पे आ जाती है छिपकली, और मुझे छिपकली अच्छी नहीं लगती है, मतलब वो एक अलग प्राणी है पर मैं नहीं उसको कर सकती हूँ, तो इसलिए मैं इस मेथड को यूज कर रही हूँ। इसमें पानी को फिर डाइल्यूट करके यूज करती हूँ और पौधों में पानी में डाल देती हूँ, न्यूट्रिएंट्स भी बनते रहते हैं और ये भी हो जाता है, हमारा यूज भी हो जाता है। खाद में फिर भी अभी भी ला रही हूँ, वर्मी कंपोस्ट में मंगाती हूँ, कंपोस्टिंग का मेरे में थोड़ा इशू है, मैंने कोशिश करी थी पर वहां छिपकली आती है तो वो मेरे से नहीं होता है। और ये देखो, ये पौधे मैंने सब लगा दिए इधर, अच्छे लग रहे हैं, धीरे धीरे सारे मूव कर रही हूँ। यहाँ पे ये पोर्शन में थोड़ी धूप आती है
तो जो भी पौधे हैं वो अच्छे खिलते हैं, और थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर रही हूँ। ये अपराजिता का पौधा है, इसमें अभी ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहिए, पर बहुत मिट्टी हार्ड हो गई थी, थोड़ा तो पानी जाना चाहिए उसमें, एटलीस्ट एक आध हफ्ते में थोड़ा पानी अंदर सर घुस जाए, बिल्कुल ही सूख जाएगा वरना। तो ये है हमारा कौन सा वर्बीना का पौधा है, ये इसका भी यही कर रही हूँ मैं, देखो अच्छे से। थोड़ी थोड़ी नीम खली आज मैं डाल रही हूँ पौधों में, सब में नहीं डाल रही हूँ, जितने हाथ में आ रहे उतने में डाल रही हूँ, क्योंकि अभी फंगस और कीड़ों वीड़ों का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। और नीम एक नेचुरल पेस्टिसाइड है, बहुत अच्छा होता है, और पौधे ना एक्चुअली हम नर्सरी से भी लाते हैं, वहाँ इतने सारे पौधे होते हैं, कोई ना कोई तो पेस्ट आ ही जाता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं कर रही हूँ। अब ये देखिए, ये सब पौधे मेरा आइडिया है यहाँ लगाने का, और बालकनी थोड़ी साफ हो जाए, क्योंकि पूरी फैली पड़ी है, सफाई भी करने में मुश्किल होती है, और मुझे बालकनी साफ रखना बहुत पसंद है, क्योंकि आपको मैं पहले भी बता रही हूँ कि छिपकली मुझे पसंद नहीं है, और बहुत सारे आ जाते हैं, कुछ कुछ प्राणी ऐसे, तो हम ऊपर के फ्लोर पे तो छिपकली ही एक ऐसा प्राणी है जो आती है, पर कुछ पता नहीं है आजकल कुछ भी आ जाते हैं। एक बार मैं हम लोग एक जगह पे थे, मुंबई में रहते थे, तो वहां पे हम लोग का 8th फ्लोर था, ज्यादा नीचे ऊपर नहीं बोल सकते हैं। तो वहां पे ऐसे बालकनी वगैरह नहीं होती थी, पर एक विंडो में रखे हुए थे मैंने, विंडो में थोड़ी सी जगह थी, तो वहां पौधे रखे थे, वहां पे आ जाता था एक चूहा, बड़ा सा चूहा आता था, और वो आके मैं पौधे लगा रही हूँ और सुबह देख रही हूँ सारे टूट गए। बाद में पता चला चूहा है, फिर उसको वहां से हमने दवाई ववाई डाल के भगाया, बट वो ऐसी जगह पे था कि हम वहां पे ना रोज धो नहीं सकते थे, तो फिर मुझे वहां से धीरे धीरे प्लांट्स कम ही करने पड़े, और कुछ कर नहीं सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं लगी हूँ, ये देखो ये कोलियस में मैंने कटिंग लगाई थी, ये ठीक ठाक चल रही है, अभी तक तो पत्ते सूखे नहीं है, और किसी ने बोलता पत्तों से भी उगती है, मैंने पत्ता भी लगा के देखा तो पत्ता तो इंस्टेंटली सूख गया, तो मेरे लिए तो पत्ते से नहीं उग रहा है कोई प्लांट, और ये बेचारा रबर का प्लांट गिर गया था, तो मैं इसी को प्यार से सराह रही हूँ और उसको नई जगह दे रही हूँ, उसका भी मुझे गमला चेंज करना है, बट अभी मैं नहीं छेड़ना चाहती बिकॉज ठंड आ गई है और उसका डोरमेंसी पीरियड है। और ये देखो ये कॉर्नर मुझे अच्छा लगे, ये देखो ये सीडलिंग है जो उगाए हैं वही दिखा रही थी आपको, और ये कॉर्नर काफी अच्छा लग रहा है, पेंट यहाँ से उतर रहा है, तो मैं देखूंगी कैसे उसको ठीक कर सकूं। और ये देखो ये काफी ठीक ठाक लग रहे हैं, भगवान जी की जगह, पता नहीं अच्छे से सेट करूंगी फिर लगाती हूँ उनको। और ये देखो ये ऐसे अच्छे लग रहे हैं ना, थोड़ा बेटर लग रहा है, सब एक जगह पे साइड साइड में हो जाए तो अच्छा लगता है। अब ये देखो ये मैं ऐसे रखती हूँ अपनी खाद के लिए और पानी मिला के दे देती हूँ। बस आज का व्लॉग यहीं तक, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। बाय बाय, टेक केयर।